दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत होंगे। तो यार आज जैसा कि हफ्ते का दिन है और हफ्ते के दिन मैं अपने कबूतर और टर्की बर्ड लेके जा रहा हूँ अपने फार्म हाउस पर, वहाँ पर छोड़ने के लिए, जिस तरह के मैंने आपको बताया था। तो इंशाल्लाह आपने ये वीडियो पूरी आखिर तक देखनी है और मेरे साथ वीडियो में पूरे एंड तक बने रहना है आपने। सबसे पहले हम ये केज उठाएंगे, इसमें अपने कबूतर डालेंगे हम, ठीक है। ओहो मेरी मुर्गियाँ परेशान हो जाती हैं मुझे इस तरह देख के, ये भाग पड़ती है फिर। वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो वो देखो, ये मेरे लिए बड़ा नुकसान है। वो देखो ओह 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 ओह, ये दाना डाल देता हूँ ताकि ये मुर्गे नॉर्मल हो जाए और वापस अपनी जगह पे आ जाए। हम जैसे मैं करीब जाऊँगा ये कहीं और चली जाएंगी, मेरे लिए फिर अजाब बन जाएगा इनको पकड़ना। खैर आप कोशिश करते हैं कि इनको वापस लेके आए। मैं आ गया थोड़ी देर के लिए नीचे ताकि मुर्गियां वापस नॉर्मल अपने जगह पे आ जाएं। उसके बाद ऊपर जाने के बाद पहले मैंने ये मुर्गियां बंद करनी है, उसके बाद सारा काम अंजाम देना है ताकि ये मुर्गियां, मेरा जो नुकसान है, पहले भी मेरी एक दो मरतब मुर्गियां ऐसे उड़ के कहीं चली गई और वापस कभी नहीं आई, क्योंकि बिल्ली खा गई थी जब तक मैं गया तो मुझे नजर नहीं आई। मैं दो दिन तक ढूंढता रहा, उसके बाद मुझे मुर्गियां नहीं मिली। तो अब मैं जरा इसलिए मैंने कहा थोड़ा आराम से सुकून से कर लेंगे, थोड़ी देर लग जाएगी लेकिन कोई नुकसान नहीं करवाना मैं इस मरतबा। तो थोड़ी देर नीचे रुकते हैं, उसके बाद ऊपर जाते हैं, ऊपर जाके देखते हैं मुर्गियां कहाँ पर हैं, फिर उन्हें बंद करते हैं, फिर अपने कबूतर और टर्की बर्ड को पकड़ के गाड़ी में रखते हैं, फिर फार्म हाउस जाते हैं। करके देखते हैं मुर्गियां वापस आई हैं या आई हैं, फिर उन्हें बंद करते हैं। अच्छा जी मुर्गियां तो आ गई हैं तकरीबन, दो दो चार दो छः, ठीक है उनकी टेंशन नहीं है, इनको बंद करते हैं। वो तो साइड पे आना तो वो कहीं नहीं जाएंगी, ये मेरे लिए बड़ा खतरा है, पता नहीं क्यों डर जाती है ये। मैंने कुछ खाना पीना ना डालू ना सब पे आने के बाद और कोई काम करने लग गया तो इस तरह भाग जाती है ये, इसलिए पहले कुछ डालना पड़ता है उसके बाद फिर ये करती है। हालांकि ये मैंने कल डालना था ये भिगोया हुआ दाना, लेकिन अभी डालना पड़ गया मुझे। खैर अब चलते हैं कबूतर पकड़ते हैं अपने। आओ भाई तुम्हारा सफर यहीं तक का था मेरे साथ। भाई इस केज की भी हालत बहुत खस्ता है हमारे मुल्क की तरह, खैर गुजारा कर ही लेंगे जिस तरह हो रहा है। आओ भाई सबसे पहले आओ भाई, ओ आजा आजा तू आजा, चल तू ही आजा, देख आ गया। ये हमारी असील की हवाई की फीमेल है, ठीक है। एक इधर आ गई और अब ये यार मैं कबूतर पहले ना पकड़ के बंद कर देता हूँ, इसलिए ना ब्लॉग बनाया जा रहा है ना मेरे काम हो रहा है। तो फिर आपसे मिलते हैं कबूतर पकड़ने के बाद। हाँ भाई टर्की और कबूतर सारे आ गए हैं, मूसा भाई भी सो के आ गए हैं, मूसा और मूसा की फ्रेंड्स भी आ गई हैं, साथ में ये जा रहे हैं सारे टर्की और कबूतर जमीन पे, सही है। चलो बाय 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 कर दो सारे इनको, ठीक है। मूसा आप भी कर दो बाय बाय, मूसा गंदे मुंह तो धो लिया करो, हैं ऐसे उड़ के आ गए। नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मूसा का बुना था भाई हर रोज अल्हम्दुलिल्लाह। ओ खून भी तो ड्रैकुला हो आप, पी के दिखाओ ना। चलो भाई मिलते हैं बाद में। अल्लाह अभी हम आए हैं यहाँ पर आम के हमने पोते लेने हैं थोड़े से, जो मुल्तान की मशहूर वरायटी है चूसा, और एक दो वरायटियाँ और हमने लेनी है। मतलब कि पहले तुम्हारे पास लगे हुए हैं तो ये ज़रा अच्छे बूटे हैं पोते हैं, तो वो लेने हमने, तो इनसे लेने के लिए आए हैं, हमारे जानने वाले हैं बहुत अच्छे ये। अब आपको चलते हैं दिखाते हैं इनसे बूटे लेते हैं, हम 24 या 25 बूटे लेने हैं हमने, दिखाते हैं आपको अभी हम। ये तुम्हारे का यार फिर गुस्से में देख रहा है जिस तरह खड़ा हुआ है ये देखे भाई, नहीं कुछ नहीं करना। ये क्या हो गया, नहीं 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 नहीं, बड़े ही अजीब ही अंदाज में खड़ा हुआ था ये बछड़ा। मैंने कहा यार ये मारे ना इसी के पहले आराम आराम से मैं निकल जाऊँ। तो अभी फिलहाल हम आ गए आम के बाग के अंदर, माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के पौधे हैं, ज़मीन देखें कैसी है ज़बरदस्त। अच्छा इस ज़मीन पर भी ना हाउसिंग सोसाइटी वालों की नज़र पड़ चुकी है, जिनकी ये ज़मीन है वो बता रहे थे कि आए हैं और उन्होंने इसके इतने करोड़ रुपए लगाए हैं ज़मीन के ना, तो उन्होंने कहा हम नहीं देंगे। ये पौधे हैं माशाल्लाह, ये काफी सारे पौधे हैं, ये बच्चे निकले हुए हैं, इन्होंने निकाले हुए हैं रखे हुए हैं, तो इसमें से कुछ बूटे हम लेके जाएंगे लगाने के लिए।
ठीक है। अब कौन कौन से ले रहे हो? रट्टे वाले और मौसमी। अभी हम सारे पौधे नहीं लेके जा रहे, उसकी वजह यह है कि हमारी गाड़ी में पहले ही वजन ज़्यादा है, तो उसकी वजह से अब हम कुछ एक चार या पांच पौधे लेके जा रहे हैं। अभी हमने डीजल भी डलवाना है और कुछ हमारे पास सीवी मारने वाली खाद भी है, दवाई, जिसकी वजह से मेरा मोर चीज़ें नहीं लेके जा रहा है। अभी पाँच या छः पौधे लेके जा रहे हैं हम, बकाया अगले चक्कर में हम लेके जाएंगे। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ ये मज़ीद यहाँ पर और आम के मतलब के पौधे तैयार हो रहे हैं, नर्सरी टाइप माहौल बना रखा है बाबा जी ने, तो माशाल्लाह आप ये देखें, ये इस टाइम फुल बड़े बड़े दरख्त हैं और इनकी वैल्यू इस टाइम बहुत ज़्यादा है। वैल्यू सिर्फ टाइम की है, क्योंकि आम का पौधा बहुत अरसे बाद तैयार होता है। इसके बारे में एक बात कही जाती है कि आम के पौधे को और एक इंसान के बच्चे को बराबर केयर की जरूरत होती है और दोनों को वक्त बराबर ही लगता है कि वो काबिल हो सके। तो ये मेरा ख्याल है कि एक आम का दरख्त होता है जो एक इंसान के बच्चे की तरह से लगा हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी मोटी मोटी इसकी मतलब की टहनियाँ हैं और कितना फल देते हैं ये माशाल्लाह से। अब मेरे अबू को माशाल्लाह इतना तजर्बा है कि ये अंदाज़ा इस बाग की फी दरख्त की औसत बताते हैं। अभी मैं शुगर लगाता हूँ, पूछता हूँ बाबा ये कितनी औसत निकालता होगा, एक दरख्त में से कितनी पेड़ निकलती होगी औसतन? 100 भी 150 भी 200 भी। अब इसकी औसत कितनी होगी ज्यादा से ज्यादा? ये तो फल के ऊपर बात। अच्छा ये कौन सा बाग दरख्त है, ये कौन सी वैरायटी का दरख्त है? ये मौसमी का है, फजरी है, फजरी फजरी। और ये एक गड़ा है चाचा, रट्टियाली रट्टियाला है। अच्छा अब ये चिट्टा का, वो बड़े पत्ते आ रहा है ये वाले, ये चिट्टा, ये सिंदरी के भी तो बड़े पत्ते होते हैं। नहीं ये चिट्टे का है। तो इसकी क्या पहचान है जरा बताना, जरा कोई एक आधा पत्ता दिखा के हम समझाना। ये बड़ा पत्ता है, ये बजरी का है, ये चिट्टे का है, ये वाला, ये रट्टियाली का है, रट्टियाली। और ये मेरे घर में काले का है, आगे जाके पता सही पेट्रोल का है। रट्टियाली के मौसम का बस पौधे हमने निकलवा लिए हैं, अभी निकलवाए सिर्फ पांच पौधे और वो लेके हम जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ गाड़ी को मतलब सीधा करने के लिए, इतनी देर में अबू वगैरह सारे वो पौधे वगैरह ला के गाड़ी में रखवाते हैं। और एक ही दिखाता हूँ मैं आपको, ये क्या चीज़ है बताएं, गैस करें, ये वाइट वाइट क्या चीज़ है? ये मशरूम टाइप को चीज़ लग रही है ये, आप सबने बताना मुझे कमेंट में क्या चीज़ है, बड़ी अच्छी लग रही थी मुझे ये। यार ये बस इधर जाना पड़े जहाँ से आए। अच्छा चलो कितने आ गए, तीन चार एक रह गया पांच, बाकी के हम कल या परसों लेने आएंगे यहाँ से, तो वो दोबारा छोड़ के आएंगे। उसकी वजह यह कि वजन बहुत ज़्यादा हो जाएगा गाड़ी के अंदर, तो हमारी जापानी गाड़ी है इधर नीचे लगती है, जिन लोगों के पास पास हुआ है वो लोग मेरी बात जानते हैं, गाड़ी बिल्कुल नीचे लगती है, चैम्बर इसका कमज़ोर होता है सिल्वर का, तो वो टूटने का खतरा होता है, इसकी वजह से हम ज़्यादा पौधे नहीं लेके जा पा रहे। पहुँच गया भाई, टर्की छोड़ दिए, ये ऐसे इधर फिरेंगे फिलहाल के लिए ना, कबूतरों को यहाँ शिफ्ट करेंगे इस खाने में। अभी फिर इसके सारी दीवारें ऊंची कराएंगे, इसके ऊपर जाली और यहाँ कुछ पौधे लगाएंगे और ये पूरी एवरी बन जाएगी, इधर तोते वगैरह और कबूतर आज़ाद छोड़ेंगे हम लोग। मेरी बात सुनना, ये वाला इधर रख, छोटे वाला, कबूतर बंद ही रहेंगे 24 घंटे, कबूतर नहीं खोल रहे। ये मेरी बात सुन, इसमें पानी डाल देंगे, इसके अंदर बाजरा डाल देंगे। इनकी टेंशन नहीं है, इनका सिर्फ पानी का बर्तन, बाजरा एक साइड पर कहीं भी डाल दियो, ठीक है? ये घास वास का असल टेंशन इनकी है, ठीक है? नार कितना, मादिया कितना? ये इसमें अपना तीन मादी है, इसमें दो मादियाँ बड़ी है, एक मादी छोटी है, किंग की, और एक असील की मादी है। ये इसके साथ ही लगी हुई है। अच्छा। हाथों में कितना के साथ लगी हुई है, वो जोड़ा गया है अंदर। अच्छा नार कितना? नार ज्यादा है इसमें, ये तो जाती है नार, माध्य बराबर जो है ना यार, ये बस ना माध्य थोड़े ने तो बेटे दरिया है मारवे से नहीं बचेगा। ये माध्य लगी खड़ी है। सही है, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਲ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਖਾਲੀ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਦੋ ਸਾਲ ਕਰ ਗਏ ਨਾ ਮੂਤਰ ਬਾਦ ਨਾਲ ਤਰਾਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਖੁੱਲੇ ਛੋੜਾਂਗਾ ਸਾਰਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਛੋੜ ਦੇਣਾ
इससे सारे परिंदे इजी हो जाएंगे, तुझे भी दाना डालने में आसानी रहेगी। सही है, उतने जाला बाण हो जाने वाला। सही है, ये वैरायटी निकली है मेरे पास असल। ये किंग नर था, मादी थी, और लक्का नहीं तो लक्का उसका नर था। उसके बाद ये सैंपल निकला, इसके पाँव देख के पाँव पे बाल है, लेकिन इसकी दुम वैसे नहीं बनी लक्के की तरह। ये अलग, ये बच्चे हैं ये, और ये सफेद वाले बच्चे हैं। अभी ये नहीं पता ये नर है मादी है, पर निकाल देता हूँ मैं, अभी कोई मसला ना हो। केवल पर जाना है, एक महीने ऐसे बंद रहेंगे ना, फिर किरदान है। अच्छा। ये ज्यादा दूर नहीं जाएंगे, 20 फुट 30 फुट 40 फुट तक घूमेंगे बस। इसमें सिर्फ एक है वो जो लंबे लंबे चक्कर मारता है, ये 3 दिन बाद वापस आता था घर। अच्छा। 3 दिन 4 दिन बाद घर आता था। एक ये फुल सफाया था, इसका जोड़ा मेरे से खत्म हो गया, लेकिन उनका बच्चा बच गया, फुल सफेद किंग है, बच्चा ही है अभी। चाहिए कबूतर सारे प्यारे हैं, ये भी जगह चेंज हुई है इनकी इसलिए ऐसे लग रहे, लेकिन माशाल्लाह है बहुत प्यारे हुए। मैंने कहा कलीमा बोर रहता है इधर, हाँ सही है, इसके लिए जानवर शानवर ले आए तो चलो, तो मशहूक तो है नहीं इसके यहाँ पे यार, इतना मशहूक बनते नहीं यार, खर्चा बहुत ही है। अल्लाह के बंदे 35 किलो जमीन तेरे पास है, इधर भी उधर भी सारी जगह है, तेरे में मशहूर नहीं बनती, सेड है तू यहाँ का। इंतकाल वाल मेरे ना करा दो ना। चलो मैं करा देता हूँ, हुक्म कर तू। हाँ वाल मशहूर बन रही थी। ये 5 बूटे निकाल ले, ये जी हमारी जमीन पे बटेरे, ये मरा हुआ है तो यहाँ पे बहुत सारे बटेरे हैं, अभी हमने रूटर शूटर मरवाया तो जमीन की कुछ लुक निकली है जबरदस्त किस्म की। जगह हम यहाँ पे लगाएंगे 600 पौधे आड़ू के और आलू बुखारा, इस तरह की चीजें लगाएंगे हम यहाँ पे माशाल्लाह। तो इस बार तो हमारा इरादा नहीं है गंदम वगैरह लगाने का, उसकी वजह यह है उससे बेहतर आड़ू लगा लिया जाए, बेहतरीन माहौल है। कली में पानी पिलाइए यार। अच्छा, हल्की हाली है और बंद कर मतलब कुत्ता चला हो जाए। माशाल्लाह रूटर लगने से जगह अच्छी हो गई है ना, रूटर शूटर लगने से जड़ी बूटियाँ वगैरह मर गई सारी, ज़बरदस्त हो गया सारा कुछ। ये हमारे चौधरी साहब चौधरी रजब अली की ज़मीन है जी, माशाल्लाह से इनके ऊपर भी पापा ने रूटर लगाया, बड़ी प्यारी ज़मीन है इनकी माशाल्लाह से, वो वहाँ तक जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है। ये दरख्त नहीं, इससे पीछे, इससे पीछे ये हमारा एक बछड़ा बंदा है जी, जो थोड़े बहुत काम शाम करवाते हैं इससे हम, उसके बाद सारा दिन मस्ताते रहता है ये, और मैं जब भी इसके पास जाता हूँ ये करता है, लेकिन अब पता नहीं मारेगा क्या करेगा भाई, मारना ना मुझे। ओ भाई कुछ नहीं कहना, शरीफ है, तो दोस्ती होगी मेरी इसके साथ, ज़बरदस्त है ये, इसका कलर बहुत प्यारा है, बहुत खूबसूरत कलर है ये। और अब हम देखते हैं यहाँ पे अपनी जो ज़मीन है, अच्छा मुझे ये जगह बड़ी पसंद है, उसकी वजह से तो यही है, इसकी मिट्टी का कलर जो है ना वो बड़ा प्यारा है, पक्कावट जिसे कहते हैं उस टाइप का थोड़ा बहुत है, और कुछ अरसे में बिल्कुल ये सख्त हो जाएगी, जो अभी आपने पीछे पिछले देखा था मैं बाग में भी गया हुआ था उस तरह की ज़मीन, तो वो ज़मीन ज़रा ज़्यादा दरखेज़ होती है बनस्बत और ज़मीनों के, अच्छी ज़मीन होती है वो। अब आप देखें ये ज़मीन की और इकसाम है, ये और इकसाम है, हालांकि हैं साथ साथ, बस फर्क इतना है कि दोनों पे काम अलग अलग तरीके से हुआ है, तो इसलिए कोई ज़मीन ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कोई ज़्यादा गंदी। सारी चीज़ है भाई खाद, नेचुरल खाद, गोबर, जितना गोबर कलर डलवाओगे उतनी ज़मीन अच्छी बनेगी। अब मैं जा रहा हूँ, हमने 2 लसूड़े के पौधे लगाए हुए थे वो देखने के लिए, मैं जब भी आया ना मैं सिर्फ 2 या 3 बार गया हूँ साइड पर, क्योंकि हमारी ज़मीन का जो बिल्कुल एंड है ना उस साइड पर मैं जा रहा हूँ, वो 2 लसूड़े के पौधे मैं लेके आया था पत्तों की से नर्सरी से, तो वहाँ से हम 250 पौधे लेके आए थे अपनी गाड़ी में डाल के, तो उसमें से 2 पौधे लसूड़े के हमें मिले थे और हमने आखिर में लिए थे, हमें याद आए थे क्या लेने हैं वो, तो जिस भाई के पास हम गए थे उनके पास 2 ही पड़े हुए थे, तो अब उन्होंने कहा 2 ही दे दो आप। अब वो 2 पौधे देखने जा रहा हूँ मैं कि वो बचे हैं नहीं बचे, और ना मैंने अपने जो यहाँ पर काम करने वाला बंदा है उससे मैंने पूछा इस बारे में, तो मैं ऐसे चल पड़ा, और जूती मेरी सारी और पाँव मेरे सारे गंदे हो रहे हैं। रूट चेंज कर लेते हैं, ये चौधरी रजब वाली जगह से चलते हैं हम यहाँ से, ये जगह थोड़ी ओए मैंने कहा शायद पक्की होगी, असल में इसे भी सोखड़ा दिया हुआ ना, जड़ी बूटियाँ मर जाए फिर पानी लगाएंगे बाद में। अच्छा जी, ये हमारा अपना कचनाल का पौधा, एक जो कुछ बच गई थी उन्हें इधर लगा दी थी, ये भी देखो लग रहे फूट पड़े, लेकिन फिलहाल तो उसकी मुझे कोई आसार नज़र नहीं आ रहे, तो कुछ बाउंड्रीज में लगा रखे हैं, यहाँ हमारी ज़मीन का इंतजाम हो रहा है मतलब कि ना, और वो 7 रजबोर की ज़मीन है मेरे कज़न रजब अली की ना, ये उनकी ज़मीन है सारी, यहाँ हमारी ज़मीन नहीं है,
अब दो लसूड़े के पौधे देखने जा रहा हूँ मैं अपने, वो कहाँ पर है अब वो देखते हैं किधर है। यहीं कहीं लगाए थे मैंने, ये भी नहीं, ये रहा। माशाल्लाह माशाल्लाह ज़बरदस्त, एक और वो दो। अब आप यकीन करेंगे ये दोनों पौधे ना तकरीबन होंगे मे बी एक फुट के होंगे या उससे कम के होंगे, और ज़बरदस्त यार ये देखें यार आप, मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छे निकले ये और वो। तो ये दो लसूड़े के पौधे बिल्कुल हमारे सेव हैं। ये लसूड़े बेसिकली हम लोग तो भाई अचार में डाल के खाते हैं, अब आप लोगों को नहीं पता कि आप लोग किस में डाल के खाते हैं, बाकी और चीज़ों के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन हम लोग तो अचार के अंदर डाल के खाते हैं लसूड़े को। और हम लसूड़े ही बोलते हैं, गोल सा होता है छोटा सा, हमारे पुराने फार्म हाउस में भी लगे हुए थे। बड़े खतरनाक है नहीं यार, ये तो प्रेडेटर फिल्म है। अच्छा भाई वो जो कीड़ा मैंने मारा था ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था, मुझे भाई ने बताया तो मैंने उसको मार दिया था इसी वजह से। अब फिलहाल मैं आया हुआ हूँ अपना, ये जो पौधे हैं ना मेरे, ये बब्बू गोशे वगैरह और इस तरह के आम के पौधों के अलावा जितने भी 8.5 एकड़ के रेडियस में जितने भी पौधे मैंने लगा रखे हैं ना बाउंड्रीज पे, उन सारों पर दवाई छिड़कने के लिए तकरीबन मैंने 2 एकड़ रह गए, सारा मैंने तकरीबन मार दिया। तो मैं ये दवाई मार रहा हूँ सीवी की ना, ये साइडों पर मार रहा हूँ, जब पानी लगेगा साथ के साथ, कल दोबारा पानी लगेगा ना बल्कि आज शाम को, तो साथ के साथ सारा काम सीधा हो जाएगा। ये मैं तो छिड़क रहा हूँ पानी इनकी तरफ ना, मेरी हालत दशा में पतली हो गई है बड़ी। असल में मसला कुछ नहीं है, मसला सिर्फ इतना है कि एक तो मेरे जूते कुछ ऐसे हैं, ठीक है, देसी बंदे हैं, देसी स्टाइल में हैं, तो ज़रा ये यहाँ पर कारआमद नहीं है, मुझे जॉगर्स या स्लीपर्स पहन के आने चाहिए थे, नंगे पाँव में चल नहीं सकता क्योंकि छोटे छोटे कांटे हैं तो वो नुकसान दे होते हैं, इसलिए मैं थकरा ज़्यादा हूँ। वो रेत है ना, पाँव मेरा धस रहा है पूरा पूरा। मैं आपको दिखाता हूँ, इस पौधे पर डालूँ मैं, ये डाली अब मैं दिखाता हूँ, ये हमारी ज़मीन, अभी देख रहे हैं आप, अभी देखें मेरे पाँव, ये मेरे पाँव कितना अंदर चला गया, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे। अब ये मेरी जान खाया जा रहा था ज़्यादा भाई, मोबाइल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो गया जिसकी वजह से ना वीडियो मेरी बन नहीं रही, और मेरा भी टेम्परेचर बहुत हाई हो गया जिससे मेरा व्लॉग बनाया नहीं जा रहा। तो व्लॉग का करते हैं एंड, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी किए, अपने भाई अहमद अली को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चाय बना रुक लीम भाई हैं, पत्ती तेज फुल ड्राइवर वाली चाय बनानी है, चस्की वाली, अल्लाह हाफिज़।